और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी गंजापुरी पर्यटन और विकास कार्यों के लिए यहां पर उपस्थित हैं। अगले इसके हमने ने परीक्षा शुल्क मुक्त कर दिया है, अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। हमारे सभी जो नौजवान युवा है क्योंकि फौज में जाते हैं, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है उनको शारीरिक प्रशिक्षण लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके लिए हर गांव में एक ओपन जिम खोलने की भी हमने घोषणा कर दी है। एक ओपन जिम वहां पर सभी गांव में बनाया जाएगा आने वाले समय में। इस प्रकार से लगातार बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की पहचान बढ़ी है हर क्षेत्र में। आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत बनता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों गलवान घाटी में, जब मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते से मैंने देखा है कि एक सैनिक के परिवार में या उसके आसपास जब वो सेना में होते हैं तो किस प्रकार का वातावरण होता है, किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। और जब भी भारत और चीन की बात आती थी, चीन के साथ कभी भी कोई लड़ाई की बात आती थी, तो 1962 से लेकर अब तक हमारे मन में एक ग्रंथि पैदा हो गई थी कि चीन शक्तिशाली है, चीन के पास ज्यादा हमारे से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनकी सेना सशक्त है, क्योंकि वो इतिहास के कारण से, उस समय के नेतृत्व के कारण से। अभी जो गलवान घाटी में हुआ, हमारे देश के 20 वीर बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर उस कुंठा को दूर करने का काम किया जो 1962 से अभी तक चल रही थी। और इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नेतृत्व था। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब बॉर्डर पर कहीं गोलियां चलती थी तो गोली चलती थी तो उनको पूछना पड़ता था, हेडक्वार्टर में पूछना पड़ता था, दिल्ली पूछना पड़ता था, कहीं वेस्ट कमांड, कहीं ईस्ट कमांड, कहीं सेंट्रल कमांड, अलग अलग जगह पर पहले उसकी जानकारी आती थी, उसके बाद ऊपर आता था, फिर रक्षा मंत्रालय आता था, उसके बाद जो है उस पर होता था कि अब जो है आपको क्या करना है। जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब कोई और नहीं देगा, वो वहां की सेना देगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। आपने देखा होगा पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर हमारे भारत के इतने लोग फंस गए, वहां पर जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो गया, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन गई, तो पूरे देश के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को भी, एक एक उत्तराखंड के लोगों को वहां से वापस लाने का काम भारत की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्योंकि आज भारत शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में जाना जा रहा है। तमाम प्रकार से आप देखिए, अगर मैं योजनाओं को गिनाऊं तो एक से एक योजना है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, हमारी चार धाम जो ऑल वेदर रोडें बन रही हैं उन रोडों की बात करें, या हमारी ऋषिकेश से लेकर जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, चाहे हवाई सेवाओं की बात हो, चारों तरफ से, चाहे केदारपुरी में आज जिस प्रकार से भव्य निर्माण हो रहा है, आज 400 करोड़ से भी ज्यादा का वहां पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है, 250 करोड़ से ज्यादा का काम अभी हो चुका है। बद्रीनाथ में जिस प्रकार से अभी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, वहां पर उसके लिए भी 250 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, उन माननीय मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी जो सोच है, जो विकास का एक मॉडल है, उसको लेकर उत्तराखंड में हम लोग भी उनके पदचिन्हों पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे मन में कोई शंका नहीं है किसी प्रकार का। ये नहीं है कि कोई काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम उसको भी कहेंगे आपसे कर देंगे। आपने देखा होगा पहले के समय में, जो 2017 से पहले सरकार थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं उस समय में होती थी और वो घोषणाएं केवल हवाई होकर रह जाती थी। हमने कहा अगर हम कोई भी घोषणा करेंगे तो घोषणा धरातल पर उतरेगी, कोई हम शिलान्यास करेंगे तो उस शिलान्यास का हम लोकार्पण करेंगे, कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना को पूरा करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और बहुत ज्यादा, चूंकि मेरे को बोलना बहुत कुछ था, लेकिन अभी इतनी अच्छी झांकियां वहां चल रही थी, इतने अच्छे बच्चों के कार्यक्रम थे, एनसीसी वालों के, हमारे छोटे छोटे विद्यालय के बच्चों के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम उसमें चल रहे थे, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई मैं भी अच्छा होता कि और 4-5 घंटे यहाँ रहता, मेरा मन था आप सब लोगों के बीच में रहूं। और मैं बच्चों को देखकर और मेलों को देखकर, क्योंकि बचपन से हम लोग
मैं मेलों में गया हूँ, गाँव में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे मेले, अब तो क्या है कि तमाम हमारा ज्ञान बढ़ गया, विज्ञान बढ़ गया, दुनिया आगे बढ़ गई, सारी चीजें हो गई, अब तो टेलीविजन है, जगह जगह मोबाइल है, दिन भर हम लोग जो है मोबाइलों में सारे अपडेट लेते रहते हैं। चाहे अमेरिका में कोई घटना घट रही है तो नरेंद्र नगर में एक मिनट में पहुंच जाएगी, एक मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंडों में जैसे ही वहां से क्लिक होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए ज्ञान विज्ञान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन पहले के समय में जब ये सब साधन नहीं होते थे तो मेले ही एकमात्र साधन होते थे, एकमात्र रास्ते होते थे जिसमें दूर दूर के लोग मिलते थे। और मैं बताऊं तो मैं जब कक्षा चौथी पांचवी में पढ़ता था तो मैंने देखा, मैं वो खटीमा के एक गांव में रहता था, नगरा तराई में, तो उस गांव के पास में एक मेला लगता था जिसको बोलते थे गंगा स्नान का झंटैया का मेला, जहां सिंगाड़े बहुत बिकते थे और जलेबियां। तो हम जो है एक महीने पहले से ही मन में जो है ऐसे लड्डू फूटते थे कि अब मेला आएगा, सिंगाड़े खाएंगे, अब जलेबी खाएंगे, अब सर्कस देखेंगे। तो पहले से ही मन में एक प्रकार का, जैसे पहले त्योहार आते थे तो हमने देखा है बचपन में, मैंने स्वयं इसको देखा है कि त्योहारों के समय में हम पहले से सोचते थे कि त्योहार आएगा तो हमको पूड़ी मिलेगी, हमको कचौड़ी मिलेगी, हमको खाने के लिए हलवा मिलेगा। है आज तो क्या है कि अब आजकल के बच्चे तो हलवा पूड़ी खाते ही नहीं है, क्यों पवार जी? रतुड़ी खाते है, चाउमीन वाले हो गए। तो हम तो एक एक दो दो महीने से, और कपड़े भी कभी कभी, मैं आपको बताऊं कि ये मेलों के समय में या साल में कोई एक आध बार अगर कपड़े सिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, हमने ऐसा जीवन दिया। और उन कपड़ों को जो है बिल्कुल संभाल के रखते थे, क्योंकि प्रेस भी नहीं होती थी, संभाल के जैसे मेले में गए या किसी शादी बारात में गए, सारे कपड़े उतारे और उनको बिल्कुल संभाल के पन्नी में, किसी अखबार में, अखबार भी नहीं होता था उस समय, कहीं लपेट के जो है उसको नीचे रख देते थे कि अब दोबारा जो है हम इसको पहनेंगे। तो हमने ये सब देखा है, इसलिए मेलों में सीएम पुष्कर सिंह धामी गंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का उन्होंने के समक्ष जाकर कई जानकारियां दी और बीजेपी के कार्यकाल में जिस तरीके से विकास हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने किया जाएगा, ताकि यह हमारे लिए एक विरासत के रूप में संरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ नरेंद्र नगर में सामुदायिक भवन का विस्तारीकरण किया जाएगा। ये भवन जो हमारा है, इसका अभी बात हो रही थी। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास मेले का उद्घाटन करने के लिए जनता के समक्ष पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर भी यहाँ पर जनता से संवाद किया। चूंकि यहाँ पर जिस तरह से गंजामुखी पर्यटन है